तो आज 16 जनवरी एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आया है ऑन एनएमसी वेबसाइट, जिसे पहले मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया कहते थे, एमसीआई, जिसका ऑफिस द्वारका में है। और बहुत एमबीबीएस इंडिया की बात करता हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को पता होगा ही कि हम उतने ही बड़े कंसल्टेंट हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी। और जो मैं हमेशा से कहता ही था वो अब सामने आ ही गया है अबाउट द रियली बैड क्वालिटी ऑफ सेंट थेरेसा मेडिकल कॉलेज आर्मेनिया। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग ना बहुत फ्रॉड नोटिस को देखते हैं और उनको बिलीव कर लेते हैं। शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि देर इज अ प्रॉपर, जैसे एमसीसी की वेबसाइट हम सभी जानते हैं, mcc.nc.in है, जिसमें आपको सारे अपडेट मिलते हैं, राइट। सिमिलरली एनएमसी या एमसीए की भी वेबसाइट है, nmc.org.in। इस वेबसाइट पे आप जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में इस समय कितनी एमबीबीएस की सीटें हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको देखकर ही हम आपको बताते हैं कि अब सीटें 90,000 हो गई हैं या क्या हो गया है। तो इसी में से इंफॉर्मेशन और डेटा निकाल के मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि अब हम जानते हैं कि इस साल 89,000 एमबीबीएस इंडिया में सीट्स होने वाली हैं अंडर 593 कॉलेजेस। पूरी की पूरी एक एक कॉलेज की लिस्ट, उसमें कितनी सीटें हैं, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है कि डीम्ड है, सब आपको यहाँ से पता चलता है। सिमिलरली इसी वेबसाइट पर ही जब आप होम पेज पर हैं वापस से, यहाँ पर आपको नोटिसेस आते रहते हैं नए। और इसी नोटिसेस में अब आप देखेंगे व्यू ऑल में एक बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस आया है, दैट इज रिगार्डिंग सेंट थेरेसा कॉलेज जी आर्मेनिया में है। ये देखिए, एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन सेंट टेरेसा येरेवन। और इट इज, जो क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एल्स दैट वी हैव बीन सीइंग एंड लुकिंग। और हम हमेशा कहते हैं, देखिए, दो कॉलेज आर्मेनिया में, सेंट थेरेसा और मुख्तियार घोष, सिर्फ डिग्रियां बेच रहे हैं। आप समझ लीजिए एक 250 गज के मकान में कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन आर्मेनिया की कंट्री की हालत यह है कि उन्होंने उस कॉलेज को भी अप्रूवल दे रखा था। और अब एनएमसी ने स्पेशली एक एडवाइजरी जारी करी है कि स्टूडेंट्स इन दो कॉलेजेस में जाने से अवॉइड करें। फिलहाल इन्होंने एक कॉलेज के बारे में बताया। देखिए, एनएमसी की मजबूरी यह है कि बिकॉज ये कॉलेज WHO अप्रूव्ड है, हम कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइजरी है कि आप खुद ही देखिए, उसके हिसाब से अपना फैसला कीजिए। कि और हमेशा, क्योंकि ना बहुत बहुत सस्ता कॉलेज है ये, मतलब शायद रहना खाना पीना सब मिला के आपका काम 15 लाख के अंदर हो जाता है। लोगों को लगता है कि एक बार डिग्री ले आते हैं फिर देख लेंगे, ये इसी कॉलेज की वजह से फिर वो FMG रिजल्ट खराब होता है, तो ओवरऑल रिजल्ट खराब होता है। लोग कहते हैं, अरे नहीं सर, बाहर करने का फायदा नहीं है, रिजल्ट इतना खराब है। तो उनको वही समझाता हूँ बार बार, इतना खराब नहीं है कि फिलीपींस में आप जाते हैं, बांग्लादेश में आप जाते हैं, नेपाल में जाते हैं, एवरेज 40% के ऊपर सक्सेस रेट है। उसके अंदर फिर ये हो जाता है कि कुछ कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे या बुरे हो गए इन दैट कंट्री ऑल्सो, लेकिन कुछ ऐसी कंट्री है, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ की पास परसेंटेज 5% है, 8% है। उसका कारण ये है कि भाई ऐसे पढ़ाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। प्लीज आप इन कॉलेज को आप भी अवॉइड कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।